स्वागत है। आइए देखते एक नजर हेडलाइन पर। भाई के मौत के बाद विधवा भाभी को बंधक बनाकर देवर और नंदोई कर रहे थे गैंगरेप। पत्नी के साथ चलने से ससुर ने मना किया तो दामाद ने ही ससुर को मौत के घाट उतार डाला। कलयुगी माँ बाप ने 13 बच्चों को जंजीरों में जकड़ कर खौफनाक दी अपनाएं। अब खबरें विस्तार से। भाई के मौत के बाद विधवा भाभी को बंधक बनाकर देवर और नंदोई कर रहे थे गैंगरेप। यह वारदात ग्रेटर नोएडा सेक्टर ओमिकॉन 2 में पति की मौत के बाद विधवा भाभी के साथ देवर और नंदोई ने 10 दिन तक उसका गैंगरेप किया है। आरोप है कि महिला को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया गया है। गुरुवार दोपहर महिला के पिता पहुंचे तब घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले की FIR दर्ज कर महिला को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। पत्नी ने साथ चलने से मना किया तो ससुर को मार डाला। यह घटना नई दिल्ली के राजपाक इलाके में शुक्रवार दोपहर की दर्शाई गई है। दामाद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने ही ससुर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार डाला। पूछताछ में पता चला है कि पत्नी के साथ चलने से मना करने पर आरोपी ने ससुर को जगह पे ही खत्म कर दिया। कलयुगी माँ बाप ने 13 बच्चों को जंजीरों में बंद कर दी खौफनाक यातनाएं। यह वारदात एक अमेरिकी माँ बाप ने शुक्रवार को अपने ही बच्चों का उत्पीड़न करने और उनके साथ अन्य तरह से निर्दलीय का व्यवहार करने के आरोप में स्वीकार कर लिया है। इन लोगों ने अपने 13 बच्चों को बिस्तर में जंजीरों से जकड़ कर रखा, बल्कि इन्हें खाना तक नहीं दिया गया। अमेरिका में इस मामले को हाउस ऑफ हॉरर यानी भयावह का घर कहा जाता है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी आप आज ही प्रेसो से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव।